सामने को मैं हूँ वकार और आप लोग देखने मेरा चैनल डिफरेंशिएट वकार और आप लोग की बहुत फरमाइश पे कि भाई ब्राइडल मेकअप दिखाना है, ब्राइडल और वनीमा लुक करना है, माइनर लुक करना है, तो आज हम मेरे पास ब्राइडल शूट हो रही है तो मैं आपको पूरा डिटेल से सारा मेकअप भी बताऊंगा और आपको पूरी लुक भी दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम कर रहे हैं स्किन की प्रेप, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोलिक एसिड अपने फेस पे लगाएंगे ताकि स्किन हाइड्रेट हो सके और हमारी स्किन तैयार हो सके मेकअप के लिए। इसके अलावा आप कोई मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंसीलर की। सबसे पहले हम कंसील करेंगे आईज़ को और वो एरिया जो डार्क है। इसके लिए कंसीलर मुझे सबसे अच्छा स्टिक लगती है बिकॉज ये हाई कवरेज फाउंडेशन होती है। इसको बहुत कम क्वान्टिटी में मैं लगा रहा हूँ, 36 और 38, और उसके साथ मैंने लगाई है ऑरेंज। अब हम अप्लाई करेंगे NC15 जो कि की फाउंडेशन है। इसकी एक बहुत ही फाइन लेयर हम लगाएंगे ताकि एक स्किन टोन इवन हो सके और एक चेहरे पे शाइन आ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, पहले मैं ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगा, उसके बाद अच्छे से इसको स्प्रेड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको टैप करूँगा ताकि हमारी फाउंडेशन अच्छी तरह बेक हो जाए। अब मैं कंसीलर लगा रहा हूँ नार्स का, ये आइवरी कंसीलर है नार्स का, ये बहुत फाइन होता है, इसकी डेंसिटी बहुत फाइन होती है, तो इसको मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये आपके जो अंडर आइज़ और आपके जो डार्क एरिया है उस पर थोड़ी सी शाइन आ सके और वो ब्राइट लग सके। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ब्राइट हो गई अंडर आई। अब मैं पाउडर लगा रहा हूँ लॉरा मर्सी का, और ये वाइट पाउडर है, ट्रांसलूसेंट है, ये मुझे लगता है कि अब तक का मेरा एक अमेजिंग पाउडर है। अब मैंने एक डार्क कलर का एक कलर लिया है नार्स, ये है मैक का स्केच, और इससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। हम चीक बोन कंट्रोल करेंगे और उसके बाद हम जॉ लाइन कंट्रोल करेंगे, उसके बाद उसको किसी लाइट ब्राउन कलर से हम उसको ब्लेंड करेंगे ताकि हमारे पैचेस ना लगें और स्किन पे कलर ब्लेंड हो सके। उसके बाद हम नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग करेंगे उसी लाइट ब्राउन कलर से, और हम हाईलाइट करेंगे जो हमारा बोन एरिया है, जो हमारा हाईलाइटेड एरिया है। उसके बाद मैं आईब्रोज बना रहा हूँ, आईब्रोज क्योंकि ऑलरेडी शार्पन है तो मैं सिर्फ शेड के साथ इसको इन्हांस कर रहा हूँ ताकि इसकी शेप आ सके। थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल मैंने यूज़ की है और इस भी आईब्रो के शेड यूज़ किए हैं। आईब्रो पेंसिल से मैंने थोड़ा सा आर्च बनाया है, उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी आर्च हल्का सा डिवेलप करूँगा, और मुसर्रत मिसबा का ये आईब्रो पैलेट है जो कि बहुत अमेजिंग है, और ये स्वीट टच ही मैं जो है वो आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब हमारी आईब्रोज बिल्कुल नीट हो चुकी हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द गोल्डन कलर। हमने गोल्डन कलर से हाईलाइट दिया है, सॉफ्ट हाईलाइट देंगे, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है उसको आप रिमूव कर लीजिए और जितनी आप लगाना चाहते हैं उतनी आप लगाइए। एक्सेस प्रोडक्ट भी आपकी आई को ख़राब कर सकती है। इसके बाद हम मॉर्फी की ये जो है वो पैलेट के साथ मरून कलर से इसकी मैं डेप दे रहा हूँ। ये हम पूरी आई पे डैप देंगे जो कॉन्ट्रोल एरिया है, और थोड़ा सा कॉर्नर को हम थोड़ा सा ब्लैक मिला के इसको डार्क करेंगे, मरून के साथ ब्लैक हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। फिर ऑरेंज के साथ हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि वो गोल्डन कलर में हमारे अच्छे से ब्लेंड हो जाए और बीच में कोई पैच ना लगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑरेंज के साथ ब्लेंड कर रहे हैं वैसे वैसे आईज़ और अच्छी खुलती चली जा रही हैं। अंडर आई पे मैं थोड़ा सा ब्लैक लगाऊंगा, उसके बाद मैंने जो डेप्थ बनाई थी उसके साथ मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, इसको मर्ज कर दूंगा। अब इसके अंडर आई भी हम ऑरेंज के साथ ब्लेंड करेंगे अच्छी सी, और हम अंडर आई काजल लगाएंगे, और काजल की जगह आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। इनर कॉर्नर पे हमने थोड़ा सा लाइटर शेड लगाया है ताकि जो है वो इनर कॉर्नर थोड़ा सा सॉफ्ट लग सके, और मैंने ब्लैक शेड देकर कॉर्नर को ब्लैक शेड के साथ और इन्हांस कर रहा हूँ ताकि हमारी डेप्थ जो है वो अच्छे से वाजे हो सके।
यहाँ मैंने ब्लैक एंड शेडो यूज़ किया है। अब जो हमने अंडर आई लाइन बनानी है उसको मैं लाइनर की मदद से थोड़ा सा नीट करूँगा और अपने हाइलाइटिंग एरिया को जो हमारे अंडर आईब्रोज है उसको हम नीट करेंगे और हम लैशेस अप्लाई करेंगे। लैशेस के लिए मैंने स्वीट टच ही ग्लू यूज़ की है और लैशेस जो है वो मैंने स्वीट टच की जो है वो सेमेंथा ली है। ये मेरे पास एक गोल्डन कलर है हाइलाइटिंग कलर जो कि इंटरफेरेंस क्रायलॉन का है। ये मैंने अप्लाई किया और उसके एजेस को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो डेप्थ को हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, फिर मैंने क्रायलॉन का एक ग्लिटर जो है वो ग्लू आप आईज़ पे लगाया ताकि मैं ग्लिटर ईजीली लगा सकूँ। ये मैक का ग्लिटर है और ये मैं अच्छे से स्प्रिंकल कर रहा हूँ इसके ऊपर और जो एक्स्ट्रा ग्लिटर गिरा है उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। अब हम पतला सा लाइनर अप्लाई करेंगे ताकि हम लाइनर को शेप दे सकें। अब हमारी आई तकरीबन तैयार है और मैंने लॉरियल का ये मस्कारा है जो कि मेरा आजकल का फेवरेट मस्कारा है, ये मस्कारा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसका ब्रश बहुत अच्छा है, ये मैं ब्लश अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैक का ब्लश है पीच। अब मैंने एक हुदा की एक लिपस्टिक है डार्क मरून कलर की, उसके साथ मैं लिप कलर अप्लाई किया, लिप लाइन अप्लाई की है। अब मैं अंदर जो है वो हुदा का रेड ग्लॉस लगा रहा हूँ। अब मैंने कॉन्टोरिंग को थोड़ा सा हम फिनिश करेंगे ताकि चीक बोन इन्हांस हो सकें। अब हम चल रहे हैं बालों के मरहले पे। हमने बालों में अच्छा सा एक सॉफ्ट ट्विस्ट दिया है जिससे बाल थोड़े से ईस्टर्न भी लग रहे हैं और एक रॉयल फीलिंग भी आ रही है।